स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि जो सीरीज स्टार्ट होगी फ्राइडे से उसमें कैसा डाटा बना हुआ है और मार्केट का ट्रेंड कैसा जा रहा है और आपको अगले जो फॉल है उसमें कौन से टारगेट तक आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऑप्शन चेन इतनी ज़्यादा काम नहीं आ रही है, बट फिर भी मैं आपको चार्ट पे चीज़ें समझा रहा हूँ। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप देख सकते हैं, कल हम इस चार्ट पे हम बात कर रहे थे, तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको शॉर्ट साइड पे ही काम करना है, आपको पुट लेके ही काम करना है, क्योंकि परसों एक रिकवरी देखने को मिली थी, बट वो रिकवरी इतनी कह सकते हैं इतनी बढ़िया नहीं थी। उसमें कोई वॉल्यूम नहीं था, उसमें कोई एक मोमेंटम नहीं था जिससे देखे एक प्राइस एक्शन नहीं था कि ये रिकवरी सस्टेन कर सके। ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो नेगेटिव चल रहा है, तो मैं आपको कंटिन्यूसली पिछले 10 दिन से यही बोल रहा हूँ कि आपको शॉर्ट साइड पे ही रहना है और शॉर्ट साइड पे ही रहना है। कल भी मैंने आपको क्लियरली ये बोला था कि आपको पुट लेके ही काम करना है। तो जिन लोगों ने आज पुट लेके काम किया, डेफिनेटली उनको एक अच्छा प्रॉफिट कमाने को मिला था, क्योंकि 4% निफ्टी गिरा है। तो जैसा कि मैं आपको पिछले कुछ दिन से बोल रहा हूँ कि आप मंथली अगर काम करते हैं ऑप्शंस में, तो आप 8,000 की पुट लेके भी होल्ड कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि 8,000 तो बहुत ही जल्द आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, एक दो दिन में ही आपको हो सकता है ये दिखाई दे जाए, या फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ही आपको ये दिखाई दे जाए। लेकिन अगर 8,000 टूटता है तो आप 7,500 की भी पुट लेके आप होल्ड कर सकते हो, इस चीज़ को समझ लीजिए। या फिर आप अगर लॉटरी खरीदना चाहते हो तो आप डायरेक्टली 7,500 की पुट खरीद सकते हो, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अगले आने वाले वीक में आपको निफ्टी 7,500 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और अगर 7,500 टूटता है तो 6,900 उसका अगला टारगेट होगा। तो ये क्लियरली आप समझ लीजिए, अगर आप इस गलती में है कि मार्केट नहीं गिरेगा या यहाँ पे होल्ड करेगा, तो इसके चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी मार्केट के लिए सब कुछ नेगेटिव है। ईच एंड एवरी न्यूज़ मार्केट के लिए नेगेटिव ही आ रही है, तो मार्केट में सेलिंग दोबारा से आएगी। मार्केट कोई एक ही बार में नहीं गिर जाता, मार्केट हर एक फेज में गिरता है। आपने फर्स्ट लेग देख लिया, सेकंड लेग देख लिया, अब ये थर्ड लेग की सेलिंग आप देखना अब शुरू कर रहे हो, जैसे कि आज आपने गिरावट देखी। और इसका जो कन्फर्मेशन है वो आपको मैं और बता दूँ, इसका कन्फर्मेशन आपको कैसे मिल जाएगा। देखिए सिंपल सी चीज़ है कि अभी डाउ फ्यूचर करीब 3% से ज़्यादा गिरा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डाउ फ्यूचर में अगर मैं आपको डेली चार्ट पे लगा के यहाँ पे कैंडलस्टिक दिखाऊं, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, आप देख रहे हो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्लियरली ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ का यानी इस कैंडल का आप लो समझ लीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि है 20,800 का। अगर 20,800 टूट के नीचे डाउ कामकाज करता है तो आप समझ लीजिए यहाँ पे ये एक थर्ड, ये आपने सेलिंग देखी, ये फर्स्ट फेज था, कंसोलिडेट हुआ, फिर आपको एक गिरावट देखने मिली सेकंड फेज, और ये थर्ड फेज की सेलिंग है। इसमें जो स्टॉक गिरेंगे, मतलब जो स्टॉक अभी नहीं गिरे थे या टिके हुए थे, वो स्टॉक आपको इनमें गिरते हुए दिखाई देंगे, तो आप उन स्टॉकों पर नज़र रख सकते हैं और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि ये चीज़ मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आप चाहें पास का ऑप्शन खरीद लो, चाहे आप दूर का ऑप्शन खरीद लो। देखो अभी आप 8,000 की पुट लेके काम कर सकते हो, 8,000 जैसे टूटता है आप 7,500 की पुट लेके काम कर सकते हो। और अगर आप मार्केट के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो देखो मार्केट के साथ पार्टिसिपेट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कभी कभार क्या होता है, गैप डाउन्स हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े, जिसमें हमारा जो प्रॉफिट होता है वो डायल्यूट हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पैसा एटलीस्ट 7,500 की पुट में इन्वेस्ट करो और 7,000 की पुट में इन्वेस्ट करो। आप जो भी प्राइस होता है उससे ज़्यादा आप लॉस कर लेते हो, कितने की होंगी अगर मैं बताऊँ, एक 7,500 की पुट अगर मैं नेक्स्ट सीरीज की देखता हूँ तो कितने की है। आप देखो 7,500 की पुट आप देख रहे हो 69 की है लास्ट ट्रेडेड प्राइस का। ये आपको अगर 50 में मिल जाती है तो आप इसमें 3,500 रुपये इन्वेस्ट कर लीजिए, 50% का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, तो ये आपको एक कमा के दे सकता है। और 7,000 की तो अभी 20 पॉइंट की है यानी 1,500 रुपये, तो इसमें भी आप 1,500 पॉइंट यस डायरेक्टली 7,000 की पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो 1,500 रुपये, और ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि 100% देंगे देंगे, बट अगर मार्केट में फॉल आता है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 8,000 टूटता है तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक शार्प गिरावट देखने को मिलेगी 5-6% की बहुत ही जल्द में। 7,500 टूटता है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। सीधा सीधा अगला सपोर्ट 6,900 पे आता है तो मार्केट उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको तेज गिरावट देखने को मिलेगी। इसीलिए मैं आपको पहले से इस चीज़ का इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ताकि आप जब गिरावट आए तो उसमें आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। उस टाइम पुट के प्रीमियम बहुत बढ़ चुके होंगे तेज़ी से, तो आप उनको खरीद भी नहीं पाओगे, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मैं आपको ये लेवल्स पहले से ही बता रहा हूँ। और रही बात आज डाउ फ्यूचर, आप देख सकते हो कि जैसा कि मैंने बता रहा है कि ऑलमोस्ट 3% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। और ऑप्शन चेन में भी अगर मैं बात करूँ तो जो अगली सीरीज है, जो उसमें देखो 7,000 की पुट पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एडिशन हुआ है 3,24,000 का, और 5,42,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 7,500 की पुट पे आप देख सकते हो 5,68,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 8,000 की जो पुट है वहाँ पे आप देख सकते हो 9,30,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही अगर 8,000 टूटता है तो ये जो पोजीशन खड़ी हुई है ना, इनका ही प्रेशर मार्केट को नीचे ले जाएगा। इस चीज़ को क्लियरली समझ लीजिए। अभी इन लेवल पर कॉल राइटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ये सीरीज में अभी कोई डाटा नहीं है। फ्राइडे के दिन इसमें डाटा बनना स्टार्ट हुआ होगा, आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के बाद अब अगली सीरीज में जब ट्रेडर पार्टिसिपेट करेंगे तब इनमें एक्चुअल में डाटा बनना स्टार्ट होगा, तब आपको ये पोजीशन है और डाटा सही से दिखाई देता हुआ दिखाई देगा। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। फिलहाल मैं आपको चार्ट से समझा रहा हूँ। चार्ट पे फिलहाल ये कंडीशन ये है कि हमने ये जो लो था इसको आज टेस्ट किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर हम इसको सस्टेन कर लेते हैं तो अच्छी बात है, एक बाउंस बैक दोबारा से मिल सकता है। लेकिन अगर ये टूटता है तो फिर हमारे पास जो सपोर्ट है वो सीधा 8,000 का ही है, और 8,000 टूटता है तो फिर 7,500 का। तो इस चीज़ को क्लियरली आप समझ लीजिए। सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 100% इसको फॉलो करो, बट आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के और इस वीडियो को यूज़ करके आप कोशिश कर सकते हो अपनी जो ट्रेड है उसको थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए। और रही बात मेरे लाइव ट्रेड शो करने के, लाइव प्रॉफिट शो करने के या लॉस शो करने के लिए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंपल ही चीज़ें देखिए, जैसे कि कल किसी बंदे ने कमेंट किया था कि आप लाइव ट्रेड दिखाओ, लाइव प्रॉफिट दिखाओ, बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, सिंपल ही चीज़ ये है कि जो भी लोग आपको दिखा रहे हैं वो आपको प्रॉफिट दिखा रहे हैं, बट प्रॉफिट सबको, अगर मैं कहूँ इस दुनिया में कोई भी ट्रेडर है उसको लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है। वो लॉस क्यों नहीं दिखाता आपको? वो लॉस इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि वो लॉस दिखाना ही नहीं चाहता। प्रॉफिट दिखाएगा तभी तो आप देखोगे ना उसको बार बार, लॉस दिखाएगा तो आप क्यों देखोगे? तो सिंपल सी चीज़ है, वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपको प्रॉफिट दिखाए जा रहे हैं, और आप व्यूज़ के चक्कर में, उन प्रॉफिट के चक्कर में आप उनको व्यूज़ देते हो और उन स्ट्रेटेजीज को यूटिलाइज करते हो। अगर आपको उससे हेल्प मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि लर्निंग हर किसी के अलग अलग तरीके से होती है। अगर आप लर्न कर रहे हो तो इट्स डैम गुड, सबसे अच्छी चीज़ यही है लर्निंग। अगर आप लर्निंग करके ट्रेड करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपके लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस में ऐड होती है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रॉफिट चेस करने के पीछे क्यों भागना। अगर हम ट्रेड सही लेना सीख जाएंगे तो प्रॉफिट अपने आप मिलता रहेगा हमें। अगर हम ट्रेड ही गलत ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ट्रेंड कंटिन्यूसली नेगेटिव है और आप लॉन्ग साइड पे काम करोगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ट्रेड गलत जाएगी। तो ट्रेंड समझना सीखिए, ट्रेड डालना सीखिए, आपको अपने आप प्रॉफिट मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सोचिए लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।